cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música. वे हैं और ये मेरे साथ मेरे तीन गांधी जी के बंदर हैं लाइन से, मतलब जो भी है फ्रेंड्स है, बढ़िया है। और अभी हम लोग उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे मेन वो रावण का दहन होने वाला है। फिलहाल अभी तो नहीं, क्योंकि बहुत उजाला है और जो भी होगा वो बाद में होगा, तब तक चलते हैं। और ये देखो ये इमारत मैंने अभी खरीदी है पीछे वाली। अंकल ने आज आज ही खरीदी है मैंने। और बाकी आप टूटा फूटा मना, थोड़ा फोटोशूट पूरा हो चुका है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस। और अभी पुल आधा बचा है, आधा पुल हमने पार कर लिया, आधा पुल इधर बचा है। ठीक है, वीडियो पे लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो। और हम अपने गैंग वो मतलब दोस्तों के साथ जा रहे हैं। आई एम ऑन द वे, बता दो पीछे भी है आगे भी है, सब जगह है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हाँ जल्दी चले, इनको जल्दी हो रही है, इनको जल्दी हो रही है। अरे भाई मार काहे को रहा है, फोर बैक बेंचर्स ऑफ हाई स्कूल। भीड़ देखो यार आप लोग अपने सिटी में जो हो रहा है भाई, यहाँ की भीड़ देखो। और जो यहाँ पे पुलिस ने सिक्योरिटी कर रखी है ना, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। मतलब देखो जाने की दो लाइन है और आने की एक लाइन उधर से है। बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो रावण लगा होगा शायद वहाँ से दिख भी जाएगा। ठीक है, उधर सामने सामने जहाँ पे लाइट्स सामने सेट हो, वो सामने जहाँ पे लाइट्स दिख रही है ना वहाँ पे हैं। और अभी दिखाते हैं आपको, बिल्कुल जा रहे हैं इधर भाई, जाम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। और अपना जो पुलिस प्रशासन का इंतजाम, वो नेक्स्ट लेवल प्रशासन का जो इंतजाम है, वो ऐसा कि यहाँ से गाड़ी को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। जो अंदर की गाड़ी है वो एक बार को बाहर आ जाएगी, लेकिन जो बाहर की, अरे भाई अपना भाव पे बजाना शुरू इधर से इसमें यार। और जो भी है मतलब जो गार्ड अंकल जो सिक्योरिटी अंकल यहाँ पे खड़े हैं, वो गाड़ी को जाने नहीं दे रहे हैं। और बाकी सब पूरी सिक्योरिटी लगी हुई है यहाँ पे, चला देते भाव उधर। तो अब चलते हैं अंदर, चलो अब अंदर चलते हैं। और अभी अंदर आ गए यार भाई, ये देखो बच्चे का जो बैलेंस है। बाकी मैं वॉइस ओवर कर दूंगा। और ये जॉइंट भी लगा हुआ है अपना, बाकी मेरा बापू बोलेगा अभी, बोला भाई डंडा उंडा ना पड़ जाए इसका। बाकी यार जॉइंट भी बड़ा जादू, तू भी ले ले जादू। तू बनाइए वीडियो मेरी, लास्ट में जाए। गाइस देखो अभी जॉइंट व्हील जो रुका हुआ है, करना तुरा मेरी वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। पोर्ट्रेट लैंडस्केप, लैंडस्केप ऐसे बनाता रहेगा। जॉइंट व्हील अपना चला हुआ है, ऊपर देखा जा रहा है ताकि अपना भाव को जिंदाबाद है। और भाई ऊपर देखा जा रहा, सबसे ऊपर वाले से अलग ही व्यू आता है, फोकस कर बढ़िया। वो बुला देख, वो ओ भाई सब ऐसा ही बंदूक से निशाने लगा रहे हैं। एक हमारे भैया हैं, इनके पास असली वाली रिवॉल्वर है। व्लॉग बन मजाक से हट के, मजाक से हट के, हाँ वो मजाक से। और इधर कितने के निशाने बताए वंश? 20 के छः यार, लगा लगा 20 का ले नोट लेते लगा निशाने लगा ये लो 20 के आया पहले दो निशाने तू लगा पहले ओए आने मेरा व्लॉग बन भैया मेरा मेरा वो मेरा भांगा दो मैं लगाऊंगा मेरा लगाना पीछे जाके बना हमारा करना भाई मांगते हुए तो जा पीछे से बना
अरे साइड हट जाओ यार, साइड हट जाओ, यहाँ भाई प्रणव भाई कर दो भाई। तो वंश भाई निशाना लगा रहे हैं कौन से पे? टाइगर पे, पे? टाइगर पे वंश, टाइगर पे वंश करता। ये भोपू 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 वंश इस पर दे दिया ना। चलो हो गया यहाँ से, अब आगे बढ़ते हैं मेले में अपने। लो कैमरामैन ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए, ये हमारे प्रणव भाई जाते हुए आगे। छुट जाए 6000 की अमानत है, कुछ भी गोम हो जाए कोई चिंता नहीं है। प्रणव दूसरा खरीद रहा आईफोन, आईफोन ये एनजी है प्रणव पे अपने। यहां बहुत ओए चल पे नाम लिखवा दे अपना, चल बे हट ठोकर बे। हाँ ले भाई तुझे भी ले लिया, देख इधर देख, एक्शन दिखा, एक्शन एक्शन दिखा, ये तेरे ले बापू ले, कर लो भाई साइड में आओ सब की सब। और भाई अभी तो बहुत बड़ा है, और आगे चल यार। हाँ हाँ चल चल। सो अभी आगे आगे बढ़ रहे हैं यार गाइस, आवाज़ नहीं आई पा रही होगी, सो सॉरी फॉर इट। ए इधर आओ सबके सब पीछे आओ, क्योंकि इधर भीड़ बहुत है ना, अभी बीच में निशानेबाजी भी कर रहे थे तो अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया होगा, समझ सकता हूँ। क्योंकि यार हो रहा है देखो इसमें, मतलब पूरा इतना बड़ा वो है, और मेरे तीनों सिपाही सिपाही पीछे आ रहे हैं। ठीक बहुत बजाऊँ भले हो ले 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 ले। यहाँ हम लोग बहुत बिजी वाले एरिया में आ चुके हैं, ये भाई पूरा जाते हुए मेरी यहाँ देखो प्रणव भाई खिलौने खरीदने वाले इधर दे दे। अरे कुछ नहीं होगा, वीडियो कॉल ऑन करो। तो हम लोग आगे जाते हुए वहाँ पे कुछ वो जादू दिखा था आपको, जादू नहीं है यार हम ऐसे हैं, तो रावण दिखाओ पब्लिक को। ये देखो इतना घटिया रावण आज तक मैंने जिंदगी में नहीं देखा अपनी। यहाँ पे वो देखिए मैदान, यहाँ पे ये देखिए रावण हमारा रावण कुंभकर्ण। हाँ इधर पूरी रावण से चल रही है, और ये बीच में शायद रावण खड़ा है, शायद नहीं रावण है, उधर शायद मेघनाथ, उधर शायद कुंभकर्ण है, जो भी है, और भीड़ थोड़ा ऊपर कर, और बीच में इधर रावण चल रही है, इधर पूरा रावण घूम के आ रही है, आपको दिखाएंगे। और भीड़ देखो यार इधर नेक्स्ट लेवल भीड़ है, औसम नेक्स्ट लेवल भीड़ है। ठीक है जगह घेर ली है, और अब यहाँ से दिखाएंगे आपको, ये सामने दो पुलिस वाले अंकल खड़े हुए, पता नहीं आपस में क्या गुट रुट कर रहे हैं, करने दो। फिलहाल यहाँ पे तीन पुतले खड़े हैं, और बीच वाला रावण का है, उधर वाला जो भी उधर वाला किसका है, मेघनाथ, वो मेघनाथ का, ये वाला कुंभकर्ण का है। ठीक है और भाई बाकी भीड़ देख लो ओपी।
तो गाइस एक जो समाधान है वो बहुत बड़ा लगा मेरे को, कि जैसे कोई बच्चा खो जाता है तो वो बच्चा यहाँ पे अनाउंसमेंट करवा देता है। देखिए सुनिए ध्यान से, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो माता पिता अन्नो बच्चे को मंच से प्राप्त कर ले। कैमरा संभालो, प्रिंस भाई अपने यहाँ का मेन व्यू है देखो, ठीक है। आगे सिविल डिफेंस के बंदे खड़े और बाकी इधर तो कोई बच्चा वगैरह खो गया शायद से, उसका वीडियो वगैरह चल रहा है। उधर देखो पुलिस पूरा प्रोटेक्शन लेता है, यूपी पुलिस की बातें बहुत बड़ी लगी है। और बाकी याद हो सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत तगड़ा ऑसम है। एक काला घंटा, चीयर्स चीयर्स बोल चीयर। तो यहाँ पे थोड़ा ठंडा वंडा ले लिया हम लोगों ने, काला और ये नारंगी है और बाकी ये बिस्लेरी की बोतल ले लिए। चले उस तरफ पीछे को, अभी तो आए यार, एंजॉय करेंगे एक आध घंटा। ले आने ले कैमरामैन, मेरे को ले ले मेरे को। कैमरामैन आने श्री शिव नारायण दीक्षित जी संभालेंगे। श्री शिव नारायण दीक्षित तो भाई लॉर्ड राम वहाँ पे हैं, धन्यवाद। नहीं हाँ पूरी सेना वहाँ पे। रावण सर फ्रॉम बैक स्टेज एंट्री, हाँ बैक स्टेज एंट्री। चलो बाकी दिखाएंगे आपको, बोलकर दिखाते हैं। सो गाइस ये परिक्रमा हो रही, रथ बीच में आ गया, पीछे हो जा भाई। और भाई ये मिस्टर रावण आ रहा, पीछे हो जा। तो ये देखिए भाई अपने जो यूपी से सांसद हैं संतोष गंगवार जी, वो यहाँ पे
ये बैठे हुए हैं अभी, और इधर थोड़ा स्पीच वगैरह चल रही है इन लोगों की, उसके बाद ही शायद होगा। सो गाइज, ये हैं यहाँ के कमेटी के चेयरमैन, और इनके पीछे पीछे आ रहे हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि फॉर्मर थे, मिस्टर संतोष कुमार गंगवार, और इनके पीछे पीछे आ रहे हैं हमारे शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी, और इनके पीछे बाकी सारे लोग हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। और भाई राम की कंडील गई ऊपर, तिरंगा का कंडील गई, और अब कौन जाएगा ऊपर? तिरंगा। अबे ये अभी राम की, अब कौन सी कंडील जाएगी ऊपर? तिरंगा जा रही है। हाँ। कहाँ जा रही है? बाहर। ओ वो हवा उधर 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 चली गई वो। और ये कौन सा मिशन? स्वच्छ भारत। ये गया पीऊंगा भैया, हेलो छोड़ेंगे यार, वो देख दो उधर चली गई। तो भाई पहले आतिशबाजी शुरू हो चुकी है यहाँ पे, तो देख लो वो एकदम ऊपर गई, उसमें हवा लगी तो वंश को बुला रहे हैं। अरे वंश तुझे बुला रहे हैं? राजेंद्र नगर का रहने वाला, 15 साल की उम्र है। बस ये निशा उपारे का कौन है दिखा दो, कौन है क्या ये आईडी का ही नाम बता। करते का बात सही, मैं जानता नहीं हूँ यार, मम्मी कसम नहीं जानता। रोशन कश्यप सही ऊपर है, इसके पापा लॉयर है ना। अच्छा ये ओए विक्रांत का बात नहीं है और क्या? अच्छा भाई मेरी क्लास में नहीं है, वो तो छोटा है, तो 9th में है। क्यों? वो तो 10th में है। वो अंडे अंदर कर रहा हूं, 10th में हूं मैं। वो लग गए ये हाँ उसमें लगे कुंभकर्ण। थोड़ा सा वो भी उखाड़ लिया भाई, क्या वो उखाड़ रहे थे आतिशबाज। ये चलिए भाई चलिए, ओ जय श्री राम, रावण जलिया, जय श्री राम। भाई भाई टाटा चलो घर को, अच्छा रावण की, रावण के जल गया, रावण जल गया हर घर में। पिज्जा बन रहा वंश भाई का, हाँ हाँ जो भी हमारा बनना। भैया कितना टाइम लगेगा? अच्छा थोड़ा पैक करा लूँ क्या? सही लगा तो करा लूँ। हाँ हाँ भैया पिज्जा स्ट्रीट। तो गाइज अभी यहाँ पे पिज़्ज़ा और मोमोज हाथा के पक्के खाए जा रहे हैं, ये पिज़्ज़ा ख़त्म हो चुका है, तो चलिए बने रहिए। सो गाइज सीन ये है कि अब हो चुके हैं 10:25 और हम लोग को इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, लिटरली इतना ज़्यादा टाइम हो गया है कि अब क्या ही बताएं। अंधेरा हो चुका है बिल्कुल, देख सकते हो यार
और अब पूरा मेला खत्म हुआ, लोग वापस जा रहे हैं। सो गाइस अब तो यार सोने का टाइम आ गया, मैं बेडरूम में हूँ अपने और ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। आप देखो घड़ी में देख सकते हो, फोकस करता हूँ, 12 बजने वाले हैं यार, है गाइस। सो अभी तो मैं अपने बेडरूम में हूँ, देखो ये मैंने चादर उड़ रखी है ऊपर से और अब सोने का टाइम आ चुका है। सो सोते हैं। और सो थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग व्लॉग में अब तक बने रहे। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो आपको क्या अच्छा। और गाइस अगर आप लोगों ने अब तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो फटाक से जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। गाइस यूजर नेम इज इन डिस्क्रिप्शन, ऑफिशियल अंडरस्कोर प्रणव अंडरस्कोर YT। और गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड @ हेरिटेक एंड व्लॉग्स।